Hi friends. So SCORE recruitment process for all fresher students. So this information is especially for the recruitment process of Cisco, especially to those are coming batch now. They are passed out in coming batch. So this process is especially for this student now. So main Sumit Jain, aapka swagat karta hu Sumit Jain channel mein aur infokhazana.com par. This article already available in this infokhazana.com also. And please मेरे वीडियो पे बने रहिए अंत तक. आई विल गिव सम सो मेनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. किस टाइप की प्रोसेस होती है, क्या है, कितने टेस्ट होते हैं, कितना इंटरव्यू पैटर्न्स हैं, सब बारे में मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा बनाऊंगा बताऊंगा ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट सिस्को रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑल फ्रेशर स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट आई विल जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज, वॉट द कंपनी इज डूइंग नाउ. So as you know that he this company is the main jo base is Cisco ka, wo American company, American multinational technology conglomerate ki headquarter hai San Jose mein, California mein hai, in the center of Silicon Valley. So Cisco develops, manufactures and sells networking hardware, software, telecommunication equipment or other high technology service and product. So in India and in 1995 Cisco is launched, hai na. So established as a region of APAC Theaters and Bangalore in the second corporate headquarter for Cisco. Cisco has a 7 offices in Gurgaon, Mumbai, Bangalore, Chennai, Pune, Kolkata and Hyderabad. India head count is nearly 11,000. theek hai na, so itne sare itna hai iska working out. So what is the criteria, what is the eligibility criteria of this students now, kya eligibility criteria rahega. जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका था कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा स्टूडेंट का, मतलब ये जैसे तो फ्रेशर स्टूडेंट की जब बात कर रहे हैं हम लोग तो बीटेक है ना, एमई एमटेक एमसीए स्टूडेंट सीएसई एंड आईटीईसी ब्रांचेस के लिए ही है. 70% होना जरूरी है, 10th और 12th में मिनिमम तो होना जरूरी है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए आपका. सीजीपीए 7 होना चाहिए, अबाउट द पर्सन डिग्री एंड नो करंट एटीकेटी, मतलब आपको एटीकेटी नहीं होना चाहिए, करंट एटीकेटी इज नॉट अलाउड नाउ ठीक है ना. तो इतना सब चीज होना चाहिए तभी आप क्या है एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होंगे फ्रेशर स्टूडेंट तभी एलिजिबल होंगे. अब फिर ये मेन जो पॉइंट है मुझे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो बात करनी है मुझे यहाँ पे. सो सिस्को हायरिंग फ्रेशर फॉर सम स्पेसिफिक जॉब, तो आप जानते हैं कि सबसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्को हायर कर रही है. सो फ्रेशर स्टूडेंट को द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी ऑफर एंड स्किल रिक्वायर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रोल. हर डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट सैलरीज होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नेटवर्क या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ होगा तो उसकी सैलरी अलग होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड कुछ उसकी जो सैलरीज होगी उसके लिए कुछ अलग होगी, डेवलपमेंट के हिसाब से अलग होगी. सो अलग अलग टाइप के अलग अलग रहेंगे. तो वी आर डिस्कसिंग दिस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर फ्रेशर्स, समझ में. यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है फ्रेशर्स की उसके बारे में बात करेंगे. चार टाइप की यहाँ पे प्रोसेस बताइए. फर्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट, मतलब रिटर्न टेस्ट. रिटर्न टेस्ट में दो चीज के बारे में बात करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन प्लस कोडिंग क्वेश्चन राउंड होगा उसके अंदर ठीक है. एमसीक्यूज प्लस कोडिंग क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड जो राउंड होगा टेक्निकल राउंड, थर्ड होगा मैनेजर राउंड और लास्ट इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड इज एचआर राउंड. एंड दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक 2 to 3 मंथ चलेगा. ये प्रोसेस 2 से 3 महीने चलेगी. आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, फिर टेस्ट होगी, टेस्ट के बाद फिर आपके पास कॉलिंग आएगी टेक्निकल राउंड के लिए, फिर देन फिर उसको वापस टेक्निकल राउंड में फिर होगा तो आपको मैनेजर राउंड के लिए आएगा, फिर मैनेजर राउंड में फिर एचआर राउंड. तो ये जो प्रोसेस है 2 से 3 महीने की है, वीक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. हम नाउ अब वन बाय वन अपन समझते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होता है. सो 50 क्वेश्चंस होंगे और 70 मार्क्स का है. ये 3 बेसिक सेक्शंस हैं. एप्टीट्यूड होंगे 20 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट्स के, टेक्निकल्स कोडिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक. अब जो टेक्निकल कोडिंग में वो भी 30 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन भी हो सकते हैं है ना, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं है ना, या फिर अपने C++ जावा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे टोटल मिला, और ये 70 मिनट्स के होंगे टोटल मिला, 40 मिनट्स के हैं तो ये टोटल कितना मिनट्स होगा, यहाँ पे 70 मिनट्स होगा और टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे 50 मिनट्स ठीक है. अब एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करते हैं. पहले अपन जो एप्टीट्यूड फर्स्ट राउंड का एप्टीट्यूड और टेक्निकल टेस्ट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन जो अबाउट सम स्पेसिफिक टॉपिक सच इज प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, अलजेब्रा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी जो आपने 10th और 11th 8, 9, 10th में आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़े होंगे या 11th 12th में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे ठीक है. टेक्निकल टेस्ट में जो होगा
computer networks AC algorithms AC data structures as well as digital electronic CMOS and microprocessor related questions होंगे। एक बार ध्यान रहे इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। आप क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी समय पर आंसर देना है। डेफिनेटली आप जो भी क्वेश्चन दे सोच समझ के देना है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इस राउंड से कंप्लीट हो जाते हैं देन आपको नेक्स्ट राउंड कौन सा मिलेगा, टेक्निकल राउंड, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप टेक्निकल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन द टेक्निकल राउंड द इंटरव्यूअर्स मे बी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, दोनों में भी दोनों केस हो सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। इफ़ यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द वेरियस टॉपिक, ठीक है, वो अलग अलग टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर सी वी शुड बी इन द गुड फॉर्मेट एंड ऑल द डिटेल मेंशन इन अवर सी वी शुड बी देयर, द क्वेश्चन आर यूजली आस्क फ्रॉम प्रोजेक्ट इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेंशन इन द सी वी। सो आपका सी वी जो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी वी ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति क्या देखेगा, आपका सी वी देखेगा कि आपका सी वी का जो फॉर्मेट सही है या नहीं, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भरी है या नहीं, और उसके अंदर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पुटअप करना चाहेगा करेगा। भले ही आपने जो मेजर प्रोजेक्ट बनाया, वो आपने जिसमें इंटर्नशिप की उसके बारे में कुछ अचीवमेंट किया है, वो जो ट्रेनिंग ली है, वो जो मेंशन किया उससे रिलेटेड वो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप करें, ठीक है। नॉलेज अबाउट द कंपनीज, फिर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आप जो सिस्को कंपनी उसके बारे में हो सकते हैं, कुछ जो कंपनी है उसके बारे में कि आपने सिस्को के बारे में क्या जाना है, वो किस टाइप की कंपनी है, आपको वो मेंशन, वो आपको सिस्को के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस वो पुट अप कर सकता है। किस टाइप का यानी किस टाइप का प्रोडक्ट डिजाइन करती है, क्या एनालिसिस है, आपको सब चीज़ में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। फिर इट विल थर्ड पॉइंट क्या है, इट विल ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चन ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम डेटाबेस मैनेजमेंट नेटवर्किंग, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो पुटअप कर सकता है आपसे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इन टाइप के क्वेश्चन वो आपको पुट अप कर सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पूछ सकता है। एंड इट मे बी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोडिंग बनाने को भी दे दे, है ना, एक्चुअल क्वेश्चन भी दे सकते हैं और आपको बोल सकता है कि आप इसके प्रॉब्लम्स को बनाएं एंड डेवलप करें, मतलब रियल प्रॉब्लम भी दे सकते हैं एंड उसके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इन विद इन 15 मिनट्स का, मतलब जो भी हो सकता है, एक मान के चलिए 15 मिनट का एक राउंड हो सकता है, 15 to 1 hours का राउंड हो सकता है, ठीक है ना। इसमें आपको इतने सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टेक्निकल राउंड। अगर ये टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाता है तब आप कह सकते हैं एलिजिबल हो सकते हैं मैनेजर राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर राउंड है क्या एग्जैक्टली, तो विच इज अ मिक्स ऑफ टेक्निकल एज वेल एज मेनी अदर क्वेश्चन ऑफ मैनेजर फॉर लॉयल्टी इगरनेस डिटर्मिनेशन एंथुसियाज्म वर्क ऑफ सिस्को, मतलब ये एक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल राउंड तो हो सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, पर रिलेटेड सम क्वेश्चन अबाउट द लॉयल्टीज इगरनेस डिटर्मिनेशन, आप कितना डिटर्माइन कर सकते हैं, कितना पेशेंस रहेगा आपके यहाँ पे काम करने का, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ लगाने होगा। और साथ में आप टीम वर्क कर सकते हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट लीडिंग कर सकते हैं कि नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि नहीं कॉर्पोरेशन के साथ, ये सो मेनी क्वेश्चन आपको वहाँ पर पुटअप किया जाता है। ये भी नियर अबाउट 15 मिनट्स का चलेगा आपका। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट होना, अगर आप ये सब दोनों तीनों राउंड से क्लियर हो जाते हैं तब आप एच आर राउंड पर पूछेंगे। इन द एच आर राउंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वॉट डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिस्को, चैलेंज यू फेस इन प्रोजेक्ट, रिज्यूम रिलेटेड क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वॉट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रूट, सम क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल सैलरी एक्सपेक्टेशन, सम क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो एच आर में वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। और अदर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो एचआर आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, क्या सैलरी होगी जो भी, मतलब कितना इंक्रीमेंट होगा और उसकी जो पॉलिसी है उसके बारे में भी आप अपने इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे एचआर राउंड में। इट रिक्वायर अराउंड 40 मिनट चलेगा इसका, ये राउंड भी 40 मिनट्स के आसपास रहेगा, ठीक है। जब ये सब चीज़ कम्प्लीट हो जाएगी देन ऑल फेजेस विल बी कम्प्लीटेड, और अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपके पास मेल आएगा एंड इसके बाद आप सिलेक्शंस के प्रोसेस में आते हैं, आगे आ जाएंगे, मतलब अगेन अगेन अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। व्हाई सिस्को पर एक क्वेश्चन हमको हमेशा बनना चाहिए, क्यों सिस्को, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते सिस्को, सिस्को ईच पर्सन ब्रिंग देयर यूनिक टैलेंट एट वर्क एट टीम एंड मेक अ डिफरेंस, यस आवर टेक्नोलॉजी चेंजेस दे मे वर्ल्ड वर्क लाइव्स प्ले एंड लर्न बट आवर एजेस कम फ्रॉम अवर पीपल, वी कनेक्ट एवरीथिंग, मतलब ये क्या करना चाहते हैं, एवरीथिंग अदर पीपल से वो कनेक्ट करना चाहते हैं, पीपल से द प्रोसेस डेटा एंड थिंग्स, वी यूज दोस कनेक्शन टू चेंज अवर वर्ल्ड फॉर द बेटर, ठीक। ये एक प्रोटेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं एक सिस्को कंपनी है, कहीं नेटवर्किंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, कहीं ना कहीं वो लोगों से जुड़ना चाहिए, कस्टमर बनाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वी इनोवेट एवरीवेयर, मतलब वो इनोवेट करना चाहती है एवरीवेयर, हर नए आइडियाज को डेवलप करना चाहती है, बिजनेस रिजल्ट और टेक्नोलॉजी पावर एंटरटेनमेंट रिटेन हेल्थ केयर एजुकेशन हर फील्ड में वो अपना क्या करना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी ऑफ एवरी एवरी डे डिवाइसेस, कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहती है, हर फील्ड में इनोवेटिव
वर्क करना चाहते हैं, इसलिए वो जुड़ना चाहिए। वाई इस क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का वर्क होते रहता है। वी बेनिफिट एवरी वन, वी डू ऑल द वाइल स्ट्रीमिंग ऑल द कल्चर ऑफ एम्पावर एवरी पर्सन टू मेक डिफरेंसेस एट वर्क एट इन आवर कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पे जो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे किसी को कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे हर टाइप के कम्युनिटीज के लोग मिलेंगे और कल्चर्स के लोग मिलेंगे, उसके हिसाब से उनकी वर्किंग चलती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइस इसको ज्वाइन करने के रीजन दिए, स्टेप्स टू अप्लाई सिस्को। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था किस तरह से हमको सिस्को में अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको वेबसाइट पे जाना, फिर सर्च एरिया सेक्शन पे जाना, फिर देयर इज अ सर्च टूल्स ऑप्शन विच इज अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द होम पेज। क्लिक द जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन द नेक्स्ट पेजेस, जॉब में सेल्स मार्केटिंग ऑन द पेज को सिलेक्ट करना होगा। आफ्टर द इंटरव्यू लोकेशन देयर वेयर यू आर लाइविंग लिविंग, कहाँ कहाँ चाहते हो वहाँ पे और किस लिए चाहते हो, जैसे बॉम्बे आप कर सकते हो इस तरह। फिर अप्लाई नाउ, फिर अप्लाई नाउ करेंगे, फिर रजिस्टर है नहीं है रजिस्टर कीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन एंड फिल द अप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल नेसेसरी डिटेल, मतलब पूरी अप्लीकेशन भरनी होगी उसमें आपको। सबमिट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आस्क वेरीफाई द एंटर डिटेल आर करेक्ट और नॉट, आफ्टर वेरीफिकेशन सबमिट द अप्लीकेशन फॉर्म। सो ये इतनी बड़ी प्रोसेस है करना कंप्लीट करने के लिए, मतलब आपको पूरा फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है यहाँ पे इस मेरे ब्लॉग पर या मेरे आर्टिकल पर, मैंने उसके लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई सिस्को ऑनलाइन फॉर सिस्को, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा, ये देख सकते हैं ये है। यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस पेज पे जाएंगे। ठीक है, तो लिंक भी प्रोवाइड मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। और इस तरह से आपको तैयारी भी करनी है, मैंने आज आपको पूरी प्रोसेस बताई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की पूरी प्रोसेस बताई, कितने फेजेस होते हैं उसके बारे में बता दिया मैंने, और किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में बता दिया, साथ ही साथ मैंने किस तरह से अप्लाई करना है मैंने उसकी भी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है। ठीक है ना, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच।